हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आज केसर वाली खीर बनाने वाली हूँ, केसरी खीर। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो दूध, जो मैं अभी कच्चा दूध डाल रही हूँ। अभी जस्ट अभी हमारा दूध वाला दूध लेकर आया है, 2 किलो कच्चा दूध। आपका मन हो अभी 1 किलो का भी बना सकते हो। तो कच्चे दूध का इसलिए बनाते हैं कि इसमें जो फैट वैट होता है ना, वो उससे हमारी खीर बहुत टेस्टी बनती है और बहुत खोए वर्गी खोए जैसी बनती है। और बीच बीच में मैं पंजाबी भी मार लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल मैं पंजाबी में ही होती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी बोल लेती हूँ, ज़्यादा पंजाबी में आती है। तो दूध गैस पे चढ़ा दिया मैंने, गैस ऑन कर दी है, एक बॉयल आएगा। तो हम इसमें चावल डालेंगे, और चावल कौन से डालेंगे डालेंगे इसमें, वो मैं अभी बता रही हूँ। एक कटोरी हमने इसमें चावल डालना है। अभी दूध हमारा बॉईल हो रहा है, देखो कौन से चावल है। ये हमारे सोना चूर, हमारे झारखंड में सोना चूर चावल मिलते हैं, वो वाले चावल हैं। और मेहंदी से मेरे कितने हाथ खराब लग रहे हैं, 2-3 दिन पहले बहुत अच्छे लग रहे थे करवा चौथ में, आज थोड़े से, चलो कोई ना, ये बिल्कुल छूट जाएंगे तो बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएंगे, सब जगह मेरी मेहंदी चढ़ी हुई है। ये देखो बहुत छोटा दाना है, बहुत छोटा दाना है। एक पीस दिखाती हूँ आपको, हाथ पे रख के, पूरा ये नहीं कि टूटा हुआ है, खड़ा दाना है पर छोटा दाना, और इसकी खुशबू चार घर के आगे तक आती है। मेरे यहाँ खीर बन रही है, 3-4 घर आगे हैं, वहां तक इसकी खुशबू जाएगी। तो इसको हम अच्छे से 4-5 पानी वॉश कर लेते हैं। चावल हमने धो लिए हैं, इसको थोड़ा सा पानी डाल करके 10-15 मिनट के लिए हम इसको भिगोने के लिए रखेंगे। और आपको दूध भी दिखा रही हूँ, दूध में अभी बॉयल नहीं आया है, ये देखो दूध अभी कच्चा ही है, अभी उबलने वाला है। उबालती इसलिए हूँ कि बाई चांस अगर कभी दूध फट जाए तो हमारे चावल भी वेस्ट जाएंगे, दूध भी वेस्ट जाएगा। ऐसे दूध फटेगा तो कम से कम हम इसका पनीर तो निकाल सकते हैं, इसलिए बॉईल करना जरूरी होता है। हाँ जी गाइस, ये केसरी खीर में डालने के लिए मैंने 1 मुट्ठी काजू लिया है और 1 मुट्ठी बादाम लिया है, 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम किशमिश, और ये थोड़ा सा सूखा वाला नारियल है, और ये हमारा केसर है, इतनी छोटी सी डिबिया में आता है। दिखा रही हूँ, इसका ढक्कन भी है, ये देखो। इन सबको हमने कट कर लेना है चाकू से। हाँ जी, ये थोड़ा सा हम मिल्क मेड भी डालेंगे इसमें, ताकि खीर हमारी और थोड़ी सी रिच हो जाए। आपका मन हो डालें, नहीं मन हो मत डालें, कोई इशू नहीं है, हर कोई पसंद नहीं करता है ना ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी। तो ये हमने आधा यूज़ किया हुआ था, तो आधा इसको अच्छे से रैप करके मिस्टर बग्गा ने रख दिया था। ये है मेरे पास नेस्ले का, ऐड नहीं कर रही बट ये वाला लेकर, ये वाला यूज़ कर रही हूँ, नेस्ले का मिल्क मेड, आधा वाला ये टीन में डाल दूंगी, छोटा सा टीन है ये डाल दूंगी। और ये हमारी 8 इलायचियां हैं, छोटी वाली इलायची, मोटी वाली है, इसको भी हम अच्छे से कूट लेंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया, नारियल को भी काट लिया है, इलायची हमने कूट ली है, जो इलायची के छिलके हैं वो हम रख देंगे क्योंकि हम इसको चाय में यूज़ कर लेंगे। अगर हम खीर में डालेंगे तो मुंह में आएगा, फिर ये चाय में डालेंगे इसका फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये हमारी कश्मीरी इलायची है, कश्मीर से मंगवाई है। और ये इलायची कूट के रखी है, अब हम सारे ये ड्राई फ्रूट को धो लेंगे। और कभी आप ध्यान देना, ड्राई फ्रूट अगर धोते हो तो देखना उसमें कितनी गंदगी निकलती है, कितनी मैल निकलती है। इसको 3-4 पानी हमने इसको वॉश करके तब हमने इसमें दूध में डालना है। अब दूध में ये मैं चावल डाल दूंगी,
पानी नहीं डालना, मैंने पानी से निकाल निकाल के ही डालना है। दूध हमारा बॉईल हो गया है, व्हाइट व्हाइट कोई चीज देखता है ना ये फोन तो तुरंत ब्लिंक करने लगता है, हल्का ब्लर सा आने लगता है। अब ठीक है, अभी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चावल मैंने डाल दिए, देखो 2 किलो दूध में एक छोटी सी कटोरी मैंने चावल डाली है, तभी तो खीर जैसे बनेगी। मान लो कि हम बहुत सारे चावल डाल देंगे वो तो खिचड़ी के समान हो जाएगा ना, फिर खिचड़ी बनेगी। इसी को हमने गाढ़ा करना है। ये देखो ड्राई फ्रूट मैंने धो लिया सारा, अब हम थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट पहले डाल देंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट को हमने पकाना भी है अच्छे से। आपका नहीं मन आप सिर्फ इलायची डाल दें, ड्राई फ्रूट ना डालें। एक 1.25 घंटा लगेगा इसको, 1 घंटा 15 मिनट। हमने इसको लो फ्लेम पे बनाना है, एकदम लो फ्लेम पे, भूल जाओ बस रख के। 15 15 मिनट के बाद में आके आप इसको हिला दिया करो बस। ये हमारी केसरी खीर तैयार हो जाएगी। हमारी खीर को 15 मिनट हो गए हैं बनते हुए, दूध देखो यहां से यहां आ चुका है। लो फ्लेम पे हम सारा काम कर रहे हैं। अगर आप मीडियम, अगर पास में हो तो आप मीडियम पे कर सकते हो। अभी मैं किचन में ही हूँ इसलिए मैं मीडियम पे ही कर दे रही हूँ। मीडियम पता है क्या होता है, दूध तो आपका गाढ़ा हो जाएगा पर चावल हम आपके कच्चे के कच्चे और खड़े के खड़े रह जाएंगे। हमने चावल को घोलना है खीर में। ये देखो चावल अभी खड़े हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं हमें, अब हम इसमें डालते हैं इलायची। और ये 1.5 कटोरी दाल, सॉरी चीनी। बस 1.25 कटोरी डालते हैं, अभी इसको थोड़ा सा रख लेंगे बाद में। ये हमारे थोड़े से केसर डालते हैं इसको। मिल्कमेड में भी चीनी होती है ना, ये सारा हमने डाल देना, आधा टीन है बस। हल्का हल्का आपको कलर दिख रहा होगा केसर का, येलो येलो। ये देखो इसमें यहाँ देखो ये थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी टाइप की बन जाएगी। अब देखो ये हमारी रबड़ी जैसी केसरी खीर तैयार हो गई। इसको बोल में डाल दे रही हूँ। अब खीर को देखें, बिल्कुल खोए की तरह बनी है, जैसे रबड़ी होती है ना वैसे बनी है। तो गाइस
ओके, बाय बाय एंड लव यू। अब मैं दिखा रही हूँ खोए की तरह मैं क्यों बोल रही हूँ। ये देखो, ये साइड में जो ना हमारी कढ़ाई के, ये सब तरफ बिल्कुल लाल लाल खोए की एक परत सी जमी हुई है, ये वाली, ये देखो। बस इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये 1.5 घंटा लग गया खीर बनने में, एकदम स्लो फ्लेम पे। ट्राई करना गाइस, बाय बाय।